भक्ति का महत्व क्या है? दो दिनों में विश्राम सागर की कथा ही होगी। बंदी राम सिय संत गुरु गड़प गिरा सुखदान, वर्णो धर्म रु शास्त्र की पुनीतिहास बखान। कहाँ सोते गुरु महिमा गाई। मास्टराइन ने हमको कई वर्ष पहले इशारा दिया था, गुरुजी रामायण और विश्राम सागर ये सब सुनावा करो और धीमा सबका बहुत अच्छा लगता है, हमें याद था। सही बात है। सुनि सोनक बोले हर साई, सुनि सोनक बोले हर साई, सूत जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया और गुरु महिमा के आख्यान को श्रवण करके सौनक जी बड़े हर्षित हुए। कथा सुन करके जिसको हर्ष न हो तो समझ लो वो श्रोता सही नहीं है। कि कथा सुनकर भी हर्ष नहीं हुई तो क्या गाली सुनकर हर्ष हो? कथा सुन के हर्ष होना चाहिए। सौनक जी को हर्ष हुआ, खुशी हुई, क्योंकि कथा हमारे भीतर की व्यथा को कम कर देती है, घटा देती है, व्यथा को बाहर कर देती है। ज्यों ज्यों कथा अंदर बैठती जाएगी त्यों त्यों अंदर बैठी हुई व्यथा बाहर निकलती चली जाएगी। कथा में तुम तो बैठ जाते हो लेकिन तुम्हारे भीतर तुम कथा को बैठने नहीं देते हो, और जब तक कथा तुम्हारे भीतर नहीं बैठ पाती है तब तक भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल भी नहीं पाती है। इसलिए कथा में तुम बैठो और कथा तुम्हारे भीतर बैठती चली जाए तो भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल जाएगी, तब मन को हर्ष हो जाएगा। लगता है महमूदाबाद के श्रोता बहुत ढीले ढाले भी है, ना तो खुल के हंसत हैं और ना खुल के ताली बजावत हैं। कोरोना ने लगता है सबको चपेट में लिया है, कमजोरी अभी मिटी नहीं है। जोर से ताली बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलो बजा के दिखाओ। राजेश मास्टर साहब को आशीर्वाद है। राम सिंह नेताजी, नाथ मोही निज किंकर जानूं, गुरु प्रभाव कछु और बखानूं। हे नाथ, किसी से कुछ पूछना हो, सुनना हो, जानना हो तो उसके प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से कोई बड़ा हो तो सम्मानजनक शब्दों से बात करना चाहिए। रावण गलती तो करता है लेकिन मंदोदरी जब समझाती है तो कहती है नाथ, ये नहीं कहती है बेवकूफ, हे नाथ। परशुराम जी गलती करते हैं लेकिन भगवान श्री राम उनको कहते हैं नाथ संवधन भंजनिहारा, नाथ। क्योंकि परशुराम बुजुर्ग भगवान है, राम नए भगवान हैं, दोनों भगवान हैं। परशुराम को क्रोध ज्यादा आता है, राम भगवान में सहनशीलता ज्यादा है। जिनमें सहनशीलता ज्यादा है वे पूर्णावतार भगवान कहे जाते हैं, और जिनमें क्रोध ज्यादा है वे अंशावतार भगवान कहे जाते हैं। याद रखना, क्रोध तुम्हारी पूर्णता को कम कर देता है और सहनशीलता तुमको पूर्णता के बिंदु पर पहुंचा देती है, इसलिए अपनी सहनशीलता को विकसित कीजिए। गम खाना बहुत बड़ी साधना है।
किसी से भूल चूक से कोई बात निकल गई हो, गांठ बनाकर मत बैठो गठरी बांधकर, थोड़ा उसको भुला दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, फिर उसको बार बार खोद खोद के दुखी मत करो, छोड़ो बकवास खत्म। कितने लोग यदि बचपन में किसी ने कुछ कहा है ना तो बुढ़ापे तक याद रखते, कहा जिंदम उनके घर न जीवा, मरे पर भले कौवा हाड़ लेके जाए उनके ही डरते हैं, कौवा को कौन फिक्र तुम्हारे हाड़ हुआ डारी जी, इका मतलब तुम मरे में यहाँ अपन हाड़ू के घर पहुँचो, यहाँ तब कौवा थोड़े ले जाए, जिंदम ना हाड़ू पहराई दे ना, जिंदम चले जाओ वहाँ खाई लो जाए केला कचौरी थोड़ा, क्या राग द्वेष करना है, मर जाओगे आँख बंद हो जाएगी, उस संसार में पता ही नहीं कहाँ जन्म होगा। कहाँ सोते गुरु बिनु कछु करे, ताको काज एक नहीं सरे, ताको काज एक नहीं सरे। सूत जी कह रहे हैं गुरु के बिना, यानी गुरु मंत्र के बिना, गुरु बनाए बिना निगुरा कोई भी धार्मिक कृत्य करे तो कृत्य सफल नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। इसलिए गुरु बना करके यज्ञ करना चाहिए, गुरु बनाइए फिर हवन करिए, गुरु बनाइए फिर कथा सुनिए, गुरु बनाइए फिर सत्संग कराइए। निगुरा बन करके ये सब करने से कोई फल नहीं मिलता। बिने गुरु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिन नर चौरासी जावे। गुरु के बिना मनुष्य मुक्ति नहीं पाता, ये जीव ये आत्मा 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करती रहती है। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। गुरु बनाने से मोक्ष मिलता है। शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में पूछा था, एक छोटा सा प्रसंग है। हे शिव जी, हे भगवान, पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती थी और शिव भगवान जो थे अपनी पत्नी को देवी कहते थे, हमेशा देवी कहकर पुकारते। अब कितने पति लोग तो अपनी पत्नी कहते हैं बुढ़िया, ये बुढ़िया जले न मरी, बुढ़िया वो बुढ़िया है तो तुम का कहूँ, कम बुढ़वा हो, उम्र तो लगभग बराबर है, इस तरह की भाषा मत बोली, बुढ़िया बुढ़वा। शिव जी भाषा के विद्वान थे, पार्वती जी भाषा विशेषज्ञ थी और भाव भी अच्छा था उनका, पार्वती का शिव के प्रति बहुत स्नेह था, केवल वासना का रिश्ता नहीं था, उपासना का रिश्ता हो गया था। पति पत्नी का रिश्ता मात्र वासना का नहीं होना चाहिए बल्कि उपासना का रिश्ता बन जाना चाहिए। पति की उपासना कीजिए, पति को पूज्य समझिए और उनका सम्मान कीजिए तो आपका गृहस्थ आश्रम शिव और पार्वती जैसा आश्रम हो जाए। मुक्ति में छसी चेतात विषयान विषौ त्यज क्षमा आर्जवम दयाम सत्यम सौचम पीयूषवत पीयू। शिव जी कहते हैं जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं, कैवल्य पद पाना चाहते हैं, उन्हें गुरु की भक्ति सदैव करना चाहिए और खूब करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति दे सकती है और कोई रास्ता नहीं। भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु
सत्संग पावहि प्राणिहि। और धीरे स्पीड कम। बिनु सत्संग न पावहि प्राणिहि। कितनी बात है, बिना सत्संग के कोई भी प्राणी भक्ति के मोती नहीं पाता है। इसलिए भगवान राम ने शिवरी से बताया है, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन संगा। स्पीड कम, धीरे से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग को ही भक्ति बता दिया राम ने। राम भगवान ने भक्ति को बहुत सरल कर दिया। ये जो आजकल लोग भक्ति के नाम पर नाटक बहुत कर रहे हैं ना, ये राम ने कहीं बताया ही नहीं, सीधा फार्मूला दिया। नौ भक्ति बताया है, मैं फट से गा देता हूँ, समझना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तजिका, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुबेस प्रकाशा, छठ दाम शील विरति सतुई सब मोम जग। मोते अधिक संत अठुई यथा लाभ संतो। अरे ना तो मंदिर का नाम लिया, ना मस्जिद का नाम लिया है, ना कोई और माला जपने को कहा, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं, नाटक में लगे रहते। कुछ नहीं, कुछ नहीं, राम कहते हैं तुम्हारा शरीर ही चलता फिरता मंदिर, दिल ही देवालय है, तुम्हारा पवित्र कर्म ही धर्म है, और तुम्हारी वाणी ही अमृत वाणी है, कहां भटक रहे। हर शब्द ही मंत्र है। सतुई सब मोम जग देखे। आश्रम का भी नाम नहीं लिया यहां पर कहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगवान राम मंदिर में जाते थे। ये अब ये नौ चौपाई में सब कुछ थोड़े बोल देंगे, पूरी रामायण पढ़ो तो वहां मंदिर का भी है नाम,
ऐसा नहीं है कि इतने पढ़ के पकड़ ली। अब तुमसे कोई कहे भैंस का दूध धो लो, तुम की पूंछ पकड़े हो खींचे दो मत दूध कहने के, और फिर बताओ सबसे ऊपर दूध ही नहीं है, हम खींच के देख ले। अरे पूंछ खींचे तो आगे बढ़ो, तनी दूध नीचे है। तो ये नौ भक्ति में मंदिर वंदिर की बात सब अंदर, और रामायण पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़े सब नौ चौपाई में इतना कहाँ कह पाएंगे। और शिवरी जहाँ रहती थी वहाँ मंदिर वंदिर था भी नहीं कुछ, लेकिन शिवरी ने अपने मन को ही मंदिर बना लिया था। जब मन के अंदर मंदिर बन जाता है तो याद रखना तुम्हारे सम्मुख भगवान स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं। और जब आपका मन मंदिर बनता है तब आप स्वयं महान बनते हैं। इसलिए मन को मंदिर इसलिए जाना चाहिए, मंदिर में जाते जाते आपका मन मंदिर बन जाए, देवालय में जाते जाते दिल देवालय बन जाए, और धर्म की कथाएं सुनते सुनते तुम्हारा हर कर्म ही धर्म के रूप में बदल जाए। इसलिए धर्म कथा भी सुनना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अठुई यथा लाभ संतोषा सपन नवमी नाम्र सब सोचे ना मम भरोसे नौ महाजिन के सो अतिशय प्रिय मोरे सगल तो। नौ भक्ति में से जिसमें एक भी भक्ति होगी वो भी मुझे प्रिय। आप सत्संग सुन रहे ना, भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे। ये पहली भक्ति तो आ गई, प्रथम भगत संतन कर संतन। अब जिसके पास में सभी हैं तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तुम शिवरी हो गए और क्या, शिवरी माता हो गए। और शिवरी का अर्थ क्या है, जिसको सबर है, सब्र है, संतोष है, वही शिवरी है। शिवरी बनना कोई आसान नहीं। लोगों को सब्र है कहाँ, संतोष कहाँ, लोगों के अंदर जरा भी सबर नहीं है, गम नहीं खा सकते, तो कैसे शिवरी बनोगे। और जब तक शिवरी नहीं बनोगे तो उसके लिए बताया गया शिवरी, नौ भक्ति जब आ जाएंगी आप में तो शिवरी बन जाओगे। और जब शिवरी बन जाओगे ना तो फिर भगवान तुमको ढूंढेंगे, तुम्हें भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसलिए शिवरी बनो। नौ महाजिन के कहो होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोये सकल प्रकार भक्ति दृढ़ होये। वो मुझे बहुत प्रिय है। कौन? जिसमें एक भी भक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा सुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोस्ति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखाच्छमिहि। कृष्ण भी कहते मैं उससे प्रेम करता हूँ। किससे? जो सबसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, और जो किसी से नफरत करता है उससे मैं प्रेम नहीं करता। कृष्ण कहते हैं बिना स्वार्थ के जो दूसरों का उपकार करता है फिर मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ज्यादातर लोग उपकार भी करते हैं उसमें कुछ स्वार्थ रहता है, सोचते हैं अगर इसको
इसका राशन कार्ड बनवा देंगे तो ये परिवार को ठम का मिल जाए। हाँ, इनका शौचालय बनवा देंगे तो ये उठा फेंक दे। ये स्वार्थ वाला काम है, इसमें परमार्थ नहीं। और इसमें चाहे जितने शौचालय बनवाओ, इससे जो है ये तो सब देश का धन देशवासियों में लगता है, इसमें आपको पुण्य उन्य कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी कमाई का अगर 2 रुपया दान करोगे किसी सेवा में तो उसका पुण्य मिलेगा। हाँ, इससे पुण्य नहीं मिलता। और ये जनता का धन यदि खा लोगे, उसी में घोटाला करो, बहुत दुख पाओगे फिर, क्योंकि जनता का श्राप लग जाएगा। ये सब जो गरीबों का फंड है, जन जन का फंड है, विद्यालय का फंड है और मंदिरों का फंड है, मंदिरों के लिए भी फंड है, व्यवस्था है, होना भी चाहिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाए। अभी राम भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं उसे देख आया हूँ। मुझे लगता था वो 30-40 फीट गहरी तो न्यू हुई होगी, वो चबूतरे बन रहा भाई, अभी चबूतरे नहीं बना 150-700। चबूतरा नहीं मतलब वो जो न्यू बननी है ना, पूरा खोद के मिट्टी हटाए गए और पूरे मोटी मोटी सरिया डाल करके और मौरंग और सीमेंट लगा के 25 फीट या 50 फीट मोटी चट्टान बनाई गई है, पूरा चट्टान पत्थर जैसा। अब उसके ऊपर पिलर खड़े होंगे तब मंदिर बनेगा। और मंदिर हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें 10,000-50,000 लोग दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से गिर जाए भरभराए के तो पता चले मुक्ति हुई गई हुई सब। मंदिर मजबूत, जब घर भी मजबूत बनाना चाहिए। घर बनाते समय ऐसा नहीं कि वो सीमेंट में एक तसला बारू और चुप्पिस मिला दी, चुप्पिस चुप्पिस मिला दोगे वो सीमेंट फिर मजबूती कम हो जाएगी। चुप्पिस मिलाने से ऐसा नहीं कि इंजीनियर ने बताया है, अरे इंजीनियर को क्या मालूम। हाँ, इंजीनियर थोड़ा ज़्यादा ही बताता है, क्योंकि इंजीनियर इसलिए ज़्यादा बताता है कि हमारा बनाया हुआ भवन गिरे ना, कोई फॉल्ट ना आए, इसलिए वो थोड़ा 20% खर्चा ज़्यादा करा देता है आवश्यकता से, लेकिन मजबूत हो जाता है। पर उतना नहीं, पर इतना ज़रूर बिल्डिंग में मटेरियल डालिए ताकि वो मजबूत रहे बिल्डिंग, क्योंकि उसमें लेटना आपको है। अब जिंदा लेटो तो जिंदे निकलो उस सुबह, वह मर न जाओ। तो बहुत लोग तो भवन को सुंदर भी बनाइए। ये देखिए आश्रम का दर्शन स्क्रीन में हो रहा है, टीवी स्क्रीन में देखिए दर्शन हो रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, ऐसा सुंदर बनाइए। ये आश्रम पता नहीं किसने बनाया है, कहाँ का है फोटो, चाहे जहां का हो। सुंदर और मजबूत, अच्छा काम करना चाहिए। मंगल मूले अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु, गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिन नर चौरासी जावे। गुरु के बिना ये जीव ये आत्मा 84 लाख योनियों में बार बार जा करके जन्म लेती, गुरु ही जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है, इसलिए गुरु का एक नाम बंदी छोर भी है। माया मोह के बंधन से छुड़ाने वाले, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले, आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले, प्रभु का नाम बंदी छोड़ भी है। बंदी छोड़, बोलिए बंदी छोर सदगुरु की जय। बंदी छोड़,
किसी गांव में एक भक्त रहता था। वो अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसके मित्र का गांव पड़ता था। तो उसने सोचा मित्र के पास भी चलूं, मित्र से मिलन भी हो जाए, थोड़ी थकान भी उतर जाएगी और रेस्ट भी एक रात का हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, गुरु का दर्शन तो होगा ही, मित्र से मिलन भी हो जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। तो वहां गया मित्र के यहाँ, तो मित्र ने हालचाल पूछा, केम छो, कैसे हो, तमे केम छो, तुम कैसे हो। बोले हूँ सारू छू, मैं खुश हूँ, गुजराती भाषा। तो तमारी तबीयत शू छे, मारी तबीयत सारी छे, ऐसे ऐसे बोल बोल के। तमे क्या जाओ छे, यानी तुम कहाँ जा रहे थे। बोले हूँ गुरु नी दर्शन करवा माटे जाऊँ छे, मैं गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहा था। गुजराती भाषा बोल रहे हो, तो बोल देता हूँ तुम गुजरात तो जाओगे नहीं, तो सुन तो लो कम से कम छू छा क्या करते हैं गुजराती लोग। हाँ बोल देता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, सीख लिया। मैं तो बड़ा पढ़ने में बड़ी रुचि थी, पहली बार ही गया तो रात भर पढ़ाई किया गुजराती की, रात भर में हमने लिखना और पढ़ना सीख लिया गुजराती। गुरु जी बोले रात भर का बना था, हम किन सुबह गुजराती बोलेंगे, हम गुजराती पढ़ेंगे। पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, समझना भी शुरू कर दिया। भाषा को सीखना भी जरूरी है। मैं उड़ीसा एक बार गया, पहली बार तो रात में पहुंचा, तो वहां जो बोर्ड लगा था, तो उड़ीसा की जो भाषा है वो जलेबी जैसी से बनी है। तो बोर्ड में जलेबी जैसे बना था कुछ, तो हम एक अक्षर नहीं पढ़ पाए। तो ये जलेबी कट प्रदेश में आ गए, रास्ता पूछो तो जलेबी कट है, क्या करें। खैर आए भक्त लोग स्वागत करके ले गए। भाषा पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा इंग्लिश भी सीखो, इंग्लिश कठिन नहीं है, एक बार सीख जाओगे जो बस हो गया। ज्यादा व्याकरण की टेंशन मत करो आप, छोटा बच्चा जब हिंदी सीखता ना, व्याकरण की चिंता थोड़े करता। पानी मांगता है तो बोलता ओं ओं ऊँ ऐ करते करते एक दिन पानी बोल देता है, नी 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 बोलता, पानी नहीं कह पाता, फिर पानी बोलता है, फिर वही बच्चा इंग्लिश भी बोलता है। तो भाषा को बोलना चाहिए बस। लोग कहते हैं हम भाषण नहीं कर पाते, अरे तुम बोलो हो जाएगा, सीख जाओगे सब। बोलो, मुँह खोलो, आइए मंच पर बोलिए, देखिए हो जाएगा। और इसमें कुछ है थोड़े, तो भाषण भी बातचीत ही है, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, हमको कुछ कठिन नहीं लगता, हमको लगता हम बातचीत कर रहे हैं, बस उसमें क्या है। बस थोड़ा सावधानी ये रखो कि लट्ठा धीराज मत बन जाओ, कोई ऐसी बात मत बोलो जो पकड़ में आ जाओ, ये सावधानी रखना पड़ेगा। लेकिन सरल है, सब सरल, कठिन नहीं। तो उस भक्त ने कहा मैं बंदी छोड़ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा आइए बैठिए बैठिए मेरे मित्र, चलो आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे घर आए, मेरा सौभाग्य है, आइए बैठिए। बिठाया, नाश्ता कराया, भोजन का इंतजाम हुआ, विश्राम के लिए बिस्तर लगा दिया, बातचीत किया। फिर उस जिसके यहाँ ठहरे थे ना, उसके यहाँ एक पिंजड़े में एक तोता पला हुआ था। उस तोता ने समय पा करके उस भक्त मेहमान से पूछा कि तुम बंदी छोड़ के दर्शन के लिए जा रहे हो, ये बंदी छोड़ कौन है। बोले मेरे गुरु हैं, बंधन से छोड़ाते हैं। तो तोता ने कहा कि तो अपने बंदी छोड़ गुरु से ये पूछ लेना, मैं इस पिंजड़े में 2 साल से बंद हूँ और छूट नहीं पा रहा हूँ,
तो इस पिंजड़े से मैं कैसे बंधन से छूटूंगा, जरा थोड़ा सा उधर से लौटोगे फिर आके बताना जरा। तो उस भक्त ने कहा ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, मैं पूछ लूंगा गुरु से, गुरु बता देंगे। सवेरा हुआ, भक्त विदा हुआ, तोता ने फिर याद दिलाया कि मेरे प्रश्न को ध्यान रखना। बोले ठीक है। देखिए तोता आ गया, स्क्रीन में तोता दिख रहा है। व्यवस्था है, जिसका नाम लो, अगर सांप का नाम लो ना तो शंकर जी और सांप सब आ जाएगा। इसमें हम सब रखते हैं सांप वाप साथ में। हाँ अभी दिखा देंगे सांप और शंकर जी को, दिखा दो बेटा ये लोग, मान दो 10-20 सांप छोड़ दो इनके ऊपर सबके। बहुत सेटिंग है ये बंदी छोर। तो भक्त जब गुरु दरबार में पहुंचा, गुरु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। भारतीय संस्कृति में देखो सांप आ गया और शंकर भगवान आ गए, अरे सब बहुत इंतजाम है, धन्य हो शिव जी। ये देखिए शिव जी को धन्य कहा तो सांप बहुत खुश है कि तुम आओ पड़ोस हम तुमका ठीक कर दी। सर्प देवता नागराज, गुरु के लिए जो फल फूल ले गया था वो भेंट किया। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। गुरु को मिलने जाओ, देवता के मंदिर में जाओ, वैद्य से मिलो, डॉक्टर से मिलो, ज्योतिषी से मिलो, मित्र से मिलो, कोई बहुत बड़े राजा महाराजा से मिलो, तो कुछ गिफ्ट ले जाओ, कुछ भेंट ले जाओ। और भेंट भी ऐसी ले जाओ जो सार्थक भेंट हो, ऐसा नहीं कि लकड़ी घोड़ा दे दिया, अब न बैठ सकते हैं न घोड़ा कुछ काम आ सकता, खाम खान जहाँ घोड़ा धरेंगे घर में वहाँ जगह घेरेगा, और घोड़क ले जाए रस्ते में टांग टूट सकते। वो फालतू काम। भेंट भी वो देना चाहिए जैसे गरम साल दिया, कम से कम गुरुदेव ओढ़ लेंगे। फल दिया गुरुदेव और संत महात्मा प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। कमंडल दिया गुरुदेव उसमें पानी रख के प्रयोग कर लेंगे। रजाई दिया तो रात में बिस्तर पर ओढ़ लेंगे। कपड़ा दिया तो उसको पहन लेंगे। लेकिन फालतू चीज कोई दे दिया ऐसी, उसका कोई महत्व नहीं। तो भेंट करने में भी समझना चाहिए क्या भेंट करना, किसको क्या भेंट करना है, ये विवेक होना चाहिए। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। मास्टर सुरेश चंद्र वर्मा हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे, ऐसा लगता है अभी जीवित है, सब चेहरा दिख रहा है। धन्य हो मास्टर साहब, क्यों मर गए मास्टर साहब, जिंदा होते कितना अच्छा था। आप ही की कृपा है जो इस महमूदाबाद में सत्संग हो रहा है, क्योंकि नर सहस्र महासुनहु पुरारी को यक होई धर्म व्रत धारी, धर्मवान कोटिन महाकोई विषय बिना विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सुप्रत सोलहई, ज्ञानवंत कोटिन महाकोई जीवन मुक्त सुकृत फल सोई, नर सहस्र महासुनहु पुरारी
होई धर्म व्रत धारी। धनवान बहुत मिल जाएंगे, गुणवान भी मिलेंगे, रूपवान भी मिलेंगे, बलवान भी मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे, विद्वान भी मिलेंगे, लेकिन धर्म व्रत का पालन करने वाले करोड़ों में कोई बिरले मिलता है, उनमें से सुरेश चंद्र वर्मा जी। नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होइ धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि पति का धर्म, पत्नी का धर्म निभाने वाले करोड़ों में कोई एक पति पत्नी होते, ऐसे कहने के लिए तो बहुत सब कि हम उनके पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कोई आफत आ जाए, तब कितनी पत्नी टिकती हैं, अब कितनी पत्नी भागती हैं, अब कितने पति रण मैदान छोड़कर निकल जाते हैं, तब पता चलता है जब तकलीफ आती है। धीरज धर्म मित्र चारी। धीरज धर्म मित्र रुनारी अपत्रिकाल परखी चारी। धर्म, नारी और मित्र, चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। सब सुख है, खुशहाली है, तब तो आपके मित्र बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर संकट हो, 10,000 रुपये की जरूरत हो, उस समय मदद करने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। और 10,000 रुपये लेने वाला मित्र मिल जाएगा, पर वापस लौटाने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। वो भी ऐसे भी लक्षण मित्र हैं, 10,000 तो 10 बार ले लेंगे, पर देंगे एक बार नहीं वापस। वो भी उधर भी तो धर्म जुड़ा हुआ है। अरे तू संकट में था तो मैंने 10,000 का तुझे सहयोग कर दिया, अब मेरे पैसे तू लौटाता क्यों नहीं? तेरा भी तो धर्म है पैसे लौटा देना, दोनों मित्रों का धर्म है पैसे लौटाना। किसी से उधार लो, जब तक वापस नहीं कर दोगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता, वो ऋण है आपके ऊपर। किसी का पैसा मार लिया है ना, उसकी यातम पीड़ा आपको बहुत दुख देगी। रोते रोते पैसा मांगा था, अब वापस लौटने में उसको रुला रहे, लौटा नहीं रहे, बहुत बड़ा पाप है, श्राप लग जाएगा। दे दीजिए, दे दीजिए, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो कि हमने कहाँ लिया था। लिया तुमने, तुमको याद नहीं कहाँ लिया? चाहे जहाँ लिया हो, लिया तो है, दे दो ना, देते क्यों नहीं हो? अरे पति पत्नी दोनों बेईमान हो, झूठा कहीं के बोलते झूठ, घर भर मक्कार, बेटा भी मक्कार, भाई मक्कार, बाप मक्कार, रुपया दे दो ठीक बात नहीं है, नहीं दोगे चलो मत दो, बर्बाद तो हो जाओगे। अरे ये दुख जो उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, मन में दुख होगा ना, उस दुख की ज्वाला में तुम्हारा सब सुख भस्म हो जाए। दे दीजिए वापस उसको। हाँ, यदि आपने देते समय कह दिया है वापस नहीं लौटाना है, आपके को सदैव के लिए दे दिया मैंने, अनुदान है, दान है, प्रदान कर दिया, ये लेना नहीं है, तो बहुत 10 गुना तुमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अगर वापस लौटाने का शर्त हुआ है फिर भी नहीं लौटा रहे हो, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होइ धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि निमा को। महेंद्र सिंह कथावाचक वहां बैठ जाइए।
धर्मवान कोटि, जिसके लिए आज्ञा होती जाएगी वही जाएगा। समझदार बनिए, अपने आप मत कुर्सी पर बैठना, नहीं कुर्सी में आग लग जाएगी। धर्मवान कोटि विषय विमुख विराग, वहीं बैठने दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, मत उठाओ उसको। धर्मवान कोटि नमः। देखिए, करोड़ों में कोई धर्मवान होता है, धर्म व्रतधारी हजारों में कोई होता है, लेकिन धर्मवान करोड़ों में होता है। और विषय विमुख विराग रत होई करोड़ों में कोई, जो धर्मवान है ना, करोड़ों धर्मवानों में से कोई एक विषयों से विमुख वैराग्यवान होता है। वैराग्यवान होना बहुत कठिन है, ऐसा राग रंग ठूंस ठूंस कर भरा है। अभी मैं नगाड़ा बजा दूं तगड़ा, यहाँ ढोल और तबला धमक धमक कस के, तुम देख लो भीड़ फिरी, महमूदाबाद की पगली औरतें ये पेट बजावत चली है सब, कौन तबला बज रहा है। और ये आदमी जितने हैं ना, अत्ते फोहर अंडरवियर पहन के हम बैठ जाए खीसे गाड़ा करें। हाँ, इसीलिए तो जो कथाकार होते ना, वो महेंद्र सिंह होशियार है, नगाड़ा पीट देते, वो समझे थे पीट दी तुम्हारी खोपड़ी भी, तुम आओ वो कैसे हो। अब हम संत आदमी, हम नगाड़ा पगड़ा नहीं पीटते, आओ चाहे ना आओ। लेकिन विषय विमुख, ये विषय राग विषय भोग, ये विषया शक्ति से वैराग्य करोड़ों धर्मवान में से किसी एक को होता है। ये वैराग्य कोई साधारण चीज है, बहुत बड़ी चीज है वैराग्य। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शान। और वैराग्य में सुख भी बहुत है, बहुत सुख। वैराग्य जिसको आ जाता है, प्राणी और पदार्थों के बीच में, जगत के बीच में ऐसे जिंदगी जीता है जैसे जल में कमल रहता है। उसकी जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे धान की भूसी में से चावल खींच कर बाहर हो जाता है, ऐसे जगत की भूसी से अपने को खींच कर बाहर कर लेता है। वो वैराग्यवान रहता जगत में है, लेकिन जगत से निर्लिप्त हो जाता है। वैराग्यवान कभी दुखी नहीं होता। अब की ताली लगाया है तुमने, अरे मैं भी 6 महीने का रेस्ट पाया हुआ हूं, बहुत दम है। 6 महीने से आश्रम पे, 19 अप्रैल को आश्रम पहुंचा था, तब से ये पहला प्रोग्राम है। मास्टराइन ने जब प्रोग्राम मांगा तो कहीं नहीं, अब हम प्रोग्राम के लिए कहीं भी न करीबी। लेकिन क्यों, कहीं 2-3 साल से कहीं थे ना, कोई तारीख देता है ना कोई आवश्यकता पता, हाँ हूँ करत नोट कर ले तो फिर फालतू बात गायब। हमने कहा अब की मास्टराइन हो जाएगा, हो जाएगा। हम समझ गए मास्टराइन का दिल दुखी हो गया, ज्यादा आंसू आ गए, भक्त की पराकाष्ठा हो गई, श्रद्धा की परीक्षा की। हमने अपने संत को फोन लगाया, ऐसे में बहुत कम प्रोग्राम के लिए उनको बोलता हूँ, अपने ढंग से लगाते हैं। छत्तीसगढ़ लगाया हमने, कहा मास्टराइन को देना ही है, या तो ढकेरा में देना या मास्टराइन को। ढकेरा की वो ज्ञानवती देवी खड़ी हो जाओ ना, शर्माती कहे आनंद खड़े हो, मास्टरइन तुम हो खड़ी हो, वो उनकी तुम्हारी ननद है, वो भाभी है, और ये ठीक भतीजा। मास्टरइन का कहना था चाहे हमारे मायके में हो जाए चाहे यहाँ हो जाए। पहले फोन मायके पहुंचा, मायके में बताया यहाँ पानी इतना भरा है, गुरु बूढ़ जी हैं, वो गाड़ी वापस लौट जाए। तो हम भी चलो बूढ़े से बचो, महमूदाबाद फोन आया तो मास्टरइन कहीं हुआ पानी में बूढ़ जी हो, हमारे यहाँ ये हो तो सबके प्रेम हम बूढ़ जी हो, बूढ़ी हो जरूर तुम। तो हम गए प्रेम हम बूढ़ ठीक है, पानी में बूढ़े से ठीक ना है, बैठो मास्टरइन। मन में ठान लिया पक्का करने, ये पहला प्रोग्राम है कोरोना के बाद, बहुत अच्छा है।
हमारी मास्टर श्री चंद जी गुरु जी को माला पहना रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मुझको कम माला पहनाएंगे। जिंदा होते तो पहना देते, शरीर नहीं रहा उनका, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। जय संग देवा की आरती उन्होंने बनाया है और ये आरती इतना प्रभावशाली आरती हुई है कि पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के घरों में बजती है। गणेश जी की तर्ज पर है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती पिता महादेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। फिर मेरा नाम आ गया और क्या, मैं अपना नाम कैसे गणेश की जगह हमको रखा। इतनी श्रद्धा थी उनकी कि गुरु जी हमारे गणेश के समान है। श्रद्धा और गुरु में जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। याद रखना, गुरुदेव की पूजा अगर तुमने कर लिया है तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते। श्री विनोद डॉक्टर साहब वहाँ कुर्सी पर स्थान इनको भी दिया जाए, डॉक्टर विनोद को। राजेश मास्टर चलिए वहाँ स्थान लीजिए, हाँ यहीं बैठो निशाने पर, हो आप भी कथाकार हो, आप जानते हो मास्टर रहिला रहिल रहिका रहिला मऊ रहिला माने चना होते, कल चना लाओ भूंजे हुए फिर रहिला मऊ। मास्टर साहब के यहाँ भी 10-15 साल से प्रोग्राम की मांग चल रही है, उनका बच्चा जो है वो चाहता है पर वहाँ भी नहीं हुआ, न रहिला न दहिला कहीं हुआ ही नहीं, लेकिन करूँगा सबके यहाँ करूँगा प्रोग्राम। ऐसा नहीं है, मैं सबके यहाँ करूँगा, इसलिए प्रोग्राम करने के लिए मैंने अपना वजन 12 किलो घटाया है ताकि उम्र जो है छोटी हो जाए, जल्दी बुढ़ापा ना आए, कमजोरी ना आए, सब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया हूँ और तंदुरुस्ती को सुधारा हूँ। तो आपको भी मैं कहूँगा प्रोग्राम तुम मांग करते जाना, कोई उबना मत, डूबना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना गुरु को, सुनते रहना और एक दिन तुम्हारा नंबर ऐसे आएगा जैसे सुशीला देवी का नंबर आ जाए। मेरी तो इच्छा रहती है एक साल सुशीला देवी प्रोग्राम करा दें तो दूसरे साल रमेश वाजपेयी करा दें, बोलो। अब मेरी इच्छा उनकी इच्छा है कि नहीं बता दें, है तो यहाँ आओ आ जाओ। हम कहे थे एक फंसे और आदमी तो ठीक है और ये रमेश वाजपेयी अगर फंस जाए हमारे प्रेम में यहाँ तो इनके तिर धन भी खूब है, बुद्धि बहुत है और पत्रकार भी है और स्कूलों है, भवन बहुत है और ये सब कुछ है, ये तो समझ लो कुबेर भगवान है यहाँ के इनको आश्रम भी बुलाए हैं पर आए नहीं है, पहुँचेंगे ठीक है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौआ से डरियो आ जाना, अगले साल प्रोग्राम कराना भी है ठीक, पूरा तन मन धन तुम्हारे लगे थे, दौड़ धूप और लोग करें बाकी रुपया तुम्हारे लगे बस। वो बता रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा अब ही तक वो अर्पण हुआ ही नहीं अब 2022 में होगा अर्पण, ठीक है कर देंगे, बहुत प्रेम है उनको, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। जिसका प्रेम होगा ना वो प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम केवल धन से नहीं होता है, हाँ मन होना चाहिए और ऐसी प्रकृति की कृपा है श्री रमेश वाजपेयी के पास में, धन भी है और मन भी है और तन भी ठीक है। मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूँ शुरू से, फिटनेस ललाट पर तेज झलक रहा है, न बुढ़ापा है, न रप्पल भय है, न डोकरा बने हैं और ना तो दुखी रहते हैं, हंसा करते हैं, कोई चाहे उनसे झरसुआ बन करे चाहे ईर्ष्या द्वेष करे, अपन स्कूल चलावा करते हैं और कुछ छापा करते हैं पत्रकारिता में यहाँ, और खुश रहते हैं, झंझट कौन करे हटाओ
जो आदमी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसके मुखमंडल पर तेज चमकने लग जाता है और ईर्ष्या की आग आपके तेज को धूमिल कर देती है। ईर्ष्या की ज्वाला आपकी सुख शांति को भस्म कर देती है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न रखने वाला और दूसरों पर हमेशा संदेह करने वाला, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए किसी पर तो विश्वास भी कीजिए और अपने हाथों से काम भी कीजिए। पर भाग्योप जीवी, जो दूसरे की कमाई में ही हलवा खाना चाहता है वो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। पराधीन सुख सपने उनाही, कर विचार देखो मन माही। किसी के यहां एक बार हलवा खाइए अगर तो 10 बार खिलाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और सबको खिलाने की जब इच्छा पैदा होती है तो कुदरत आपको धनवान बनाती है, खिलाने योग्य बनाती है। और जब खाऊ वीर बनते हो कि सबके यहाँ ढूंढ ढांड खाते रहो, झांकत रहो सबके रसोई, तो तुम केवल भुखमरा और भिखमंगा बन जाते। खिलाने का मन बनाना चाहिए कि मैं खिलाऊंगा। मैं हरिद्वार गया था तो एक साधु ने मेरे से कहा, आओ आम का रस बट रहा पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। इसमें 2-3 ड्रम आम का रस था और सब पी रहे थे, तो बोला मैं पी लूँ। हमने कहा तुम पी लो, 6-7 गिलास पी सू। हम कह नहीं, यू बैलू है कि साधु है, अरे पानी पिया जाते 2 गिलास पानी पी सकते, रस 6-7 गिलास। कहला तुम खड़े रहो तो शर्मन मत्ता पी, नहीं बाल्टी भर तो पी ले। हमसे बोला तुम पी लो। हमने कहा पीने वाला नहीं, मैं पिलाने वाला व्यक्ति हूँ, हम उसमें नहीं पीते हैं। हमारी खुद क्षमता है, हम दूसरों को पिला देते हैं। और पिलाने की भावना से वो शक्ति पैदा हो जाती है कि कुदरत तुमको पिलाने के योग्य बना देती है, योग्य बना देती है। इसलिए दूसरों को खिलाने का मन बनाइए, दूसरों को रस पिलाने का मन बनाइए और दूसरों को सहयोग करने का मन बनाइए। यदि आप दूसरों को सहयोग करने का मन बना लेते हैं तो ये प्रकृति आपको सहयोग करने के योग्य बनाने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। बनाइए तो मन। मैं पहली बार गुजरात गया था तो एक भक्त ने हमको 1 रुपया फेंका दक्षिणा में, तो मैं ऐसे खड़ा था जैसे ये संत जी कैमरा वाले खड़े, इतनी दूर तो फेंका, वो समझी कोई भिखमंगा जैसा है। उसको नहीं पता था ये छिपा हुआ कौन व्यक्ति है, मैं अकेला था उस समय। हमने कहा इसी गुजरात में ज्ञान का डंका बजाना है, लौट के 10 साल बाद आना है। और मैंने ठान लिया कि मुझे 1 रुपया नहीं, इसी गुजरात में 10 लाख बांटना है संतों। उस समय मेरे लिए 1 रुपया भी बहुत था, क्योंकि बिल्कुल उसी गुजरात में जा करके वहाँ के संतों को 10 लाख रुपये बांटा। संत खुश हो गए, सब बोले अरे असंग साहेब बहुत धनवान संत है। हमने कहा धनवान, इतना धन है कि हम अभी तक काउंटिंग फाइनल ही नहीं कर पाए कितना है। बोले इतना धन आया कहाँ से? हमने कहा हमारा गुरु 60 साल कमाए कमाए सब धरी से वह नहीं खर्च कर पाए। आपकी कमाई केवल यदि आपके परिवार में खर्च होती है, आपके खुद में खर्च होती है और ना आपकी कमाई में चिड़ियों को दाना मिलता है, ना मछलियों को आटे की गोली मिलती है और ना तो पशु पंछियों को कुछ खाने को मिलता है, ना किसी इंसान को 1 रोटी मिलती है, तो आप स्वार्थी कहे जाएंगे, आप परमार्थी नहीं कहे जा सकते। सिर्फ दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचिए। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई, गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जान, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचान।
सूत जी सौनक जी को समझा रहे हैं कि गुरु के बिना ना तो आत्मज्ञान होता है और ना तो गुरु के बिना धर्म कर्म की पहचान होती है। कैसे हमको धर्म भक्ति करना चाहिए। बिन गुरु दीक्षा या फल सब जप तप होम क्रिया ज्यों पाहन में बीज बै उपजे ना फल बाद। जैसे पत्थर के ऊपर चट्टान पर बीज बो देने से उसमें अंकुरण भी नहीं होता है न फल फूल आ सकते हैं, ऐसे ही बिना गुरु दीक्षा के बिना गुरु मंत्र के निगुरा होकर के जो भी आप धर्म कर्म करते हैं उसका कोई फल आपको नहीं प्राप्त होता। इसलिए गुरु बनाना सबके लिए अनिवार्य है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा हूँ तो गुरु की तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए गुरु बिन भव निधि ना तरे कहत निगम यस गाए। गुरु बिनु मनुष्य देह भई वीरथा धन सुत नारी भोग व्यर्था। गुरु बिनु जानी अपन नहीं पावे गुरु बिन भटकत खानी जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च अंधकारस्तु रूपारस्तन्निरोधकृत् अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान प्रभुवर याचक शिष्य समान दीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बंद करूं की ओर सुनाऊं 15 मिनट। 7:10 होने वाले, थोड़ा और 8 से पहले बंद नहीं करूंगा। हाँ 8 तक लिखा है उसमें, 8 से पहले बंद कर दूं तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। है अब इतनी दूर आए हो, अभी स्टार्ट ही हुआ है, चले गए चलने दो। माया जाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं, जंजाल में तो फंसे ही हो, जंजाल से पार। तही पर एक इतिहास बखानो सुंदरता ही पुरातन जानो। अवध उत्तर योजन चारी रहे नगर यक अति सुखकारी। तामे कृष्ण दत्त दुज रहई सुंदरी नाम ता सुप्रिय है। करै दान दिन प्रति अधिकाई द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। हीरा हेम पदारथ नाना देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। असन बसन गज बाज मिठाई सैया दान करें मन लाई। अब कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी पूछ रहे हैं कि सौनक जी अब क्या सुनना चाहते हो। सौनक जी ने कहा हे नाथ गुरु की महिमा और सुनना चाहता हूं कि गुरु का महत्व क्या। तो गुरु की महिमा का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी बहुत बड़े वक्ता थे। नैमी सारण में 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी ने प्रवचन सुनाया था। नैमी सारण में
और सूत जी का कद बहुत छोटा था। एक बार सूत जी जब पहुंचे नैमी शारण में कथा सुनाने के लिए तो 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। तो उन्होंने कहा, सब बैठ जाइए, मैं बहुत छोटा हूं, उम्र भी छोटी है, कद भी छोटा है, आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्यों खड़े होते हैं, हमको संकोच लगता है। तो सौनक जी ने कहा था, सबसे बड़ा वह होता है, कौन बड़ा होता है, वयम वृद्ध संबंधम वृद्ध, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति हो थोड़ा उसका सम्मान करना, संबंध यानी रिश्ते में बड़ा हो वो भी बड़ा है, आपका समधि बन गया, लड़के पक्ष वाला है तो बड़ा है, सम्मान कीजिए। संबंधम वृद्धा धनम वृद्धा, और जो धनवान है धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है, कोई बहुत बड़े पद पर है, जैसे कोई अभी IAS अफसर आ जाए, DM आ जाए, तो हम लोगों का क्या फर्ज क्या है, उसे कुर्सी पर बिठा लेना चाहिए, आइए आइए बैठिए बैठिए, बहुत मेहनत करके IAS किया है। या मुख्यमंत्री जी आ जाए, योगी जी आइए आइए बैठिए, योगी महाराज, साधु बाबा, देखिए महात्मा मुख्यमंत्री है। इस महात्मा ने सिद्ध कर दिया कि महात्मा के पास भी बुद्धि का खजाना बहुत बड़ा होता है। महात्मा क्या बात है, महात्मा कोई कम बुद्धिमान थोड़े होता है। अब ये तो अपने पूजा पाठ में लग गया, ज्ञान वैराग्य में तो उसमें डूबा रहता है, लेकिन महात्मा अगर ठान लेना ठीक ठाक, महात्मा पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, पूरे देश को नए ढंग से चला सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन महात्मा का मन जल्दी होता नहीं, क्योंकि इतना वो शांति में रहता है तो अशांति वाले अखाड़े मारने की इच्छा ही नहीं होती है। पर मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि महात्मा हैं और डिसिप्लिन भी हैं और क्लीन भी हैं, इंटेलिजेंस भी हैं, और पूरे प्रदेश का लोड लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महात्मा का भरोसा, घर के लोड के डर से तो घर छोड़ के भाग गवा, अब प्रदेश के लोड कहूँ अगर मन वो भी गवा तो भाग न जाए कहूँ, लेकिन वो डटे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं बिहार गया था तो एक भक्त ने हमसे कहा, गुरु जी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में क्या नहीं आएंगे। तो हमने कहा, योगी जी हैं तो बस वो भी महात्मा हैं, उन्हीं के साथ हम हैं। हम बोले, नहीं नहीं आप बिहार में बन जाओ मुख्यमंत्री। तो हमने कहा, हमारे उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि उनके गुरु का गुरु भी विधायक था, उनका गुरु भी सांसद था, और वो भी सांसद रहे, और हमारे गुरु के और गुरु जंगल में रहते रहे, कमंडल के अलावा कुछ रखते ही नहीं रहे, विशाल साहब गुरु गुरु, और हमारे गुरु वो कोई से कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो के चेला हम तो अत्ता बहुत है, तो बहुत ही मामला, हमारा तो जड़े से बिगड़ा मामला सर, राजनीति वाला है ही नहीं मैं कहूँ। छत्तीसगढ़ में एक भक्त बोला, यदि आप राजनीति में आओगे तो या तो हम मर जाए या हम कोई मारी डरी फिरे, हम किन कहे, कहे जो आप गाली दई दी तो हम बर्दाश्त ना कर गए, या तो खुद ही मर जाए या वह मार दी फिर हम, क्योंकि हम आपके यहाँ भगवान रूप माने थे, ये बवालम न पर्यो, जो कुछ जरूरत हो बता दो तो हम आपक दई देवे। सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर इतने महान लोग बैठे हैं जिनमें क्षमता हो तो राजनीति के माध्यम से भी देश की सेवा करो, जिनमें शक्ति हो तो धर्म के माध्यम से देश की सेवा करो, और जिनमें सामर्थ हो तो आप बिजनेस के माध्यम से भी देश का उत्थान कीजिए, और जिसमें कुछ क्वालिटी विशेष है तो शिक्षा स्कूल विद्यालय के माध्यम से
छोटे छोटे बच्चों को संस्कार भी दीजिए और उनको ऊंची शिक्षा दे करके अपने देश का आकार भी सुधार दीजिए। करिए, करना चाहिए। बिजनेस भी बड़ा कीजिए। आपकी बिजनेस में 2-4 हजार लोग सर्विस करें, 2-4 हजार परिवार पलते रहे, अच्छी बात है। आप स्कूल खोलेंगे, 10-50 टीचर होंगे, वो टीचरों के परिवार भी पलेंगे, उसी में से 2 रोटी आपकी भी चलेगी। बेंगलोर में गया था, वहां पर टाटा जी का बिजनेस मैंने देखा, तो 2 सॉफ्टवेयर की कंपनियां थी उनकी, कंप्यूटर की, तो उन्होंने बताया कि 8 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं इसमें। 8 लाख, 8 लाख परिवार पालन पोषण हो रहा है। रिलायंस में भी कितने लोग सर्विस कर रहे हैं। तो आप नौकरी ढूंढने के बजाय नौकर ढूंढो, थोड़ा हिम्मत रखो, काम चोर मत बनो कि सरकारी नौकरी मिल जाए, हलम दलाली करते रहे। नहीं नहीं, बड़ा स्कोप सोचिए, विस्तार आइए। तो ये एक व्याख्यान है आपके सामने, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। अविद्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर 16 कोस यानी 48 किलोमीटर दूर अविद्या से उत्तर एक नगर था। उस नगर में सभी लोग सुखी रहते थे। उस नगर में एक पंडित कृष्णदत्त रहते थे, उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। दोनों प्रेम से रहते थे, दान पुण्य करते थे, साधु संत वैष्णव ब्राह्मण सबका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। उनकी पत्नी सुंदरी घर में अकेली थी, तो उनके द्वार के सामने जो रास्ता था, उस रास्ते पर नारद जी निकलते हैं, बीड़ा बजाते हुए, तिलक लगाए हुए। तिलक धार्मिक व्यक्ति की शोभा है, पहचान है। तिलक लगाना आसान नहीं है। तिलक सूचित करता है ये व्यक्ति धर्म भक्ति से जुड़ा हुआ है। जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब कठिन काम है, सरल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप तिलक लगा लिया करें। कल मैं लगवा दूंगा, कल ले आना चंदन। हाँ तो बोलो, अपने यहाँ से चंदन ले आना। कम पड़ेगा तो फिर और मंगा लेंगे, लेकिन जितना है उतना पहले घिसा जाए, सबको एक एक बिंदी लग जाए। 2 कटोरी में भूल ना जाना, जो झूठा मामला हो जाए। बोलता भी बहुत है, क्या करें। तामे कृष्ण दत्त दुज रहाई, सुंदर नाम तासु त्रिय अहई। कहिए पोरवाल साहब। धन्यवाद सुशील भाई, आशीर्वाद। डॉक्टर हरीश अकबरपुर वाले, शुभकामना। राम सिंह नेताजी, आशीर्वाद। साहिब बंदगी, गुरदीन पुरोवा वाले, साहिब बंदगी। असन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करे मन लाई। एक दिवस दुजिवर सोई, गयो रहे कहूं ग्राम। नाम सुंदरी तासु त्रिय रही आपने धाम। तेही दीन तेही पूरे नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। तेही दीन तेही पूरे नारद आए, नारद आ गए। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। ज्यादातर लोगों के द्वार के सामने दरोहा निकलते हैं,
लफंगे निकलते हैं, गंदे लड़के निकलते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाते निकलते हैं। ये दिल टुकड़ा जा रहा है, खोपड़ी फट चुकी है, दिल पागल हो गया है। ये पागल हो जाएगा दिल तो जानोगे कैसे पागल हुआ है। पागल आदमी थोड़े जान पाता, इसका मतलब बनुआ पागल हो, दो चार लप्पड़ हो रहे, दिमाग सही है जी। अपने आप ही कहा दिल पागल है, जिसका पागल होता है वो समझ कहाँ पाता है। फालतू बात बोलते हो, गंदी बात बोलते हो, मत बोलो इस तरह की बात। भजन बोलो, सत्संग बोलो, साखी बोलो, दोहा बोलो, चौपाई बोलो, ये फालतू बात मत बोलो। अरे विषय वासना की बातें मत करो, ऐसे भी जीव सब विषय वासना में धसा है, फंसा है, सड़ रहा है, दुर्दशा है उसकी। तुम वही गा रहे हो, खाम खां का काम कर रहे हो। ते ही दिन ते ही पूरे नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, राम चरित गावत हर साई, ते ही द्वारे होई निक से आई। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक गाते हुए उसके द्वार पर निकले। सुंदरी ने देखा कोई संत जा रहा है, गा रहा है, कौन है पहचान नहीं है, फिर भी संस्कारी आत्मा जब भजन सत्संग के शब्द श्रवण करती है तो उसका मन अट्रैक्टिव हो जाता है। सुंदरी दौड़कर बाहर आती है और महात्मा से कहती है, मुनिवर आइए मेरे घर पधर, थोड़ा नाश्ता कीजिए। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लैया। ईश्वर को देख करके सुंदरी उठ करके दौड़ करके गई, बहुत प्रकार से विनय वंदना करके नम्रता पूर्वक बुलाकर अपने घर ले आई। उच्चासन ता पर बैठा रे, हे मिथार लई चरण पखारे। ऊंचे आसन पर बिठा करके सोने की थाल में चरण पखारा। कछु चरणों दक कीन पाना, कछु छीर के उसी गरे अस्ताना। और कुछ चरणों तक एक चम्मच पान किया और कुछ समस्त घर द्वार में छिड़क दिया। जाह्नवी चरणोदकम गुरुपादोदकम पानम गुरु रुचिष्ट भोजनम, सर्वतीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरुपादोदकम पीत्वा शेषम शिरसि धार्य। सब तीर्थ में स्नान करने का फल उस व्यक्ति को घर बैठे मिल जाता है जो महान गुरु, तपस्वी गुरु, वैराग्यवान गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु के चरण पखार करके थोड़ा चरण अमृत पान करता है और शेष चरण अमृत घर आंगन द्वार में छिड़क देता है, उसको सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम, और जहाँ पर ऐसे विरक्त महान पुरुष रहते हैं वह स्थान काशी क्षेत्र जैसा पवित्र हो जाता, काशी जैसा तीर्थ का उसमें पवित्रता आता है और उसके चरणों का जल चरणामृत को गंगा जल के समान पावन होता है। सत संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सत्तीर्थ। सब गाइए, भाव से गाइए, खुश हो जाइए। तुम्हारे चरणों में मिलता
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। कछु चरणोदक कीन्हु पाना, कछु चिर केउ सिगरे स्थाना, धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी, धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। सुनिया ज्ञान लई पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई, तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचय बहुरी आसन पग दीना। आरती किया फिर आज्ञा लिया मुनिवर से, भोजन बनाया, फिर निवेदन किया कि चलिए महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। नारद जी गए भोजन किया, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया, आचमन किया, आकर अपने बिस्तर पर आसन पर बैठ गए नारद जी। सुंदरी फ्रेश होकर के हाथ पांव धो करके वो भी आकर दूर पास में बैठकर बोली, सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी से बात कर रही है, नारद जी उसके प्रेम को अनुराग को देख करके उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। देखिए यदि पुत्री और पुत्र अच्छा कर्म करता है तो माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है, यदि पुत्र और पुत्री कोई गलत कर्म करते हैं तो माता पिता से वाद विवाद भी होता है। पुत्र और पुत्री के कर्मों का प्रभाव भी माता पिता तक पहुंचता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीना। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः,
धन्या चा वसुधा देवी अदृशाद गुरु भक्ततः धन्या माता धन्यो गोत्रन्यम कुलोद्भवः धन्या चा वसुधा देवी अदृशाद गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, धरती धन्य हो, कुल धन्य हो, गोत्र धन्य है, जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वो धरती भी धन्य मानी जाती है। ये पुराणों का श्लोक है, उसका अर्थ बताया। धन रतनु पाई सफल तव भयो जो मन जन सेवा महादयो। मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है सुंदरी, तुमने अपना तन मन धन सब सेवा में लगाया है। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु भी धन्य है जिन्होंने साधु की सेवा तुमको सिखाई। धन्य हो गुरुदेव जो संत की सेवा सिखाया। मेरी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ एक साधु रहता है मेरे जन्म स्थान में। तो वो साधु पुराना साधु है, जब हम जन्म नहीं हुआ था तब से साधु है। हम बचपन में देखे वो साधु है, हम साधु बने तो भी वो साधु है। बहुत पुराना साधु, जो पुराना ज़्यादा होता ना, पुराने होने का थोड़ा वो भी रहता है। हमारे सामने तो ये पैदा है वो। तो उसको थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा ऐसा था। ज्ञानवान तो कुछ था नहीं लेकिन वो था, क्या वो जो समझो सो। तो एक दिन वो कहीं भ्रमण कर रहा था, गया था किसी गांव में, तो किसी के द्वार पर निकला तो उस घर के लोगों ने कहा, बाबा आओ आओ थोड़ा बैठ लो, तुम्हारे सफेद कपड़ा है, क्या असंग देव को जानते हो आप? तो उसने कहा हाँ ठीक से जानता हूँ। तो बोले बाबा बैठो बताओ उनके बारे में, क्या उनको देखा है कभी आपने? मैंने तो टीवी में देखा है, उनको आपने क्या साक्षात आँखों से देखा है? बोले हाँ देखा हूँ, और जिस गांव के वो हैं उसी गांव का मैं भी हूँ, वहीं जन्म हुआ हमारा भी। बोले उनको बचपन में भी देखा है, साधु बन गए तब से देखा है। बोले देखा भी हूँ, उनको छुआ भी हूँ, हाथ भी छुआ हूँ, पैर भी छुआ हूँ। आ बाबा आओ बैठो, तुम हमको तो नहीं दर्शन मिले लेकिन पैर भी छूने नहीं मिले, पर तुमने उनको देखा है, हम तुमको देख लिए, हम धन्य हो गए। ऐसे बोला और दक्षिणा दिया, एक गिलास दूध पिलाया और सम्मान किया। तो उस दिन से वो नॉर्मल हो गया। तो मेरे पास आया, बोला हम वहाँ गए थे, हमार बहुत आदर भा तुम्हारे नाम से नहीं। तो हम कहें ठीक है। फिर हमने कंबल मंगाया, उसको उठाया, फिर और सामान दिया, साबुन दिया, मंजन ब्रश दिया, फल फ्रूट दिया, मीठा भी दिया। तो बोला कि बहुत आदर आप करें हमारा, तो हम सबका आदर करते हैं, जो सबका आदर करता है फिर सब उसका आदर करते हैं, हम क्यों निरादर करें आपका। तो बहुत खुशी, अब वो इतना खुश हैं, कह रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं आपका नाम ले लेते हैं। तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि उनको मैं टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब मोबाइल में सुनता हूँ, तो हमारी भी सेवा बहुत होती है, तो आप धन्य हो। और अब वो आरती वंदन भी करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हाथ जोड़ते बैठते हैं। बोले हम नहीं जानते थे आप इतने महान हैं, हमारे तो वही अहंकार था कि हमारे गाँव के हैं कौन बहुत बड़े होंगे, लेकिन अब पता चला है आपका बेटा भी महाराजा दशरथ का बेटा राम भगवान बना था। यशोदा ने जिसको पालने में झुलाया था वो कृष्ण भगवान थे। याद रखना, आपके गांव में जन्मा व्यक्ति भी कोई महान हो सकता है, कोई हो सकता है महान जन्मा हुआ व्यक्ति, उसकी महानता को पहचानो। हीरा अगर आपके खेत में मिल जाए तो भी हीरा है, और हीरा जौहरी की यहाँ खरीदो तो भी हीरा है, लेकिन खेत के हीरा की कीमत को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारे साथ घाटे का सौदा हो जाएगा, उसको भी समझिए।
धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु से वजिन तुम्हें दृढ़ाई। सुनी बोली दुज नारी, हमरे तो गुरु हैं नहीं। अपने हृदय विचारी, देहु असन लख छुधित कहाँ। हे नारद जी, मेरे कोई गुरु ही नहीं, मैं निगुरी हूँ। किसी को भूखा समझ करके मैं भोजन खिला देती हूँ, बाकी हम भक्ति वक्ति नहीं जानते। नारद को बड़ा धक्का लग गया कि निगुरा के घर मैंने भोजन कैसे कर लिया। इसके प्रेम भाव को देख करके मैं भूल गया, मेरे को सोच समझ कर खाना चाहिए था। क्योंकि एक महान संत को निगुरा के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके घर का पानी भी ठीक नहीं पीना। तो नारद जी ने तुरंत उल्टी कर दिया, बंद कर दिया कि मैं नहीं खा सकता आपका भोजन। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, नारे असन बांते करी जासु। जो खाया था सब उलट दिया, ये सबको उलटना भी नहीं आता है। मैं तो उलट देता हूँ, मुझे आता है, इन सबको नहीं आता है। चाहे आंखी उलट जाए, चाहे आते उलट जाए, भोजन न निकली। ये भी एक क्रिया है, साधना के अंदर आती है, भोजन को पूरा निकाल देना। पूरा निकाल देते हैं हम लोग, ऊंची तपस्या की साधना है। लखी सुंदरी डरी बोले लीना, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। लखी सुंदरी डरी बोले लीना, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। हे प्रभु, हे नारद जी, क्या अपराध मुझसे हुआ जो आपने भोजन प्रेम से ग्रहण किया, फिर उल्टी कर दिया, बांध कर दिया, वमन कर दिया, क्यों कर दिया? तो नारद जी बोले, कहे मुनि होई वैष्णो जो जन, करे वैष्णो के घर भोजन। जो वैष्णो है, जो संत है, महान संत है, अगर निगुरा के घर भोजन कर लेता है तो इसको पाप लग जाता है, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। चांद्रायण व्रत ठान सोई, ते अगते तब पावन होई। पावई तहां जल हो बिन जाने, ताको ये प्राश्चेत बखाने। तेही ते अधिक पाप तेही परई, निगुरा छुआ जो भोजन करई। यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि करी देत आयाना। ताते सुंदरी तव छुआ, भोजन कीने अजान। कियो बांति यही कारणे, नष्ट भयो मम ज्ञान। ये सब जगह नहीं खाना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। सुन सुंदरी मन कीन विचारा, कतमय कीन धर्मय अधिकारा। अब समापन की ओर जा रहा हूँ, बस अब मिनटों का काम बचा है। सुंदरी ने मन में विचार किया, मैंने कितना धर्म कर्म किया हूँ, लेकिन गुरु नहीं बनाया तो सब व्यर्थ ही हो गया। कतमय विविध दान व्रत केहु, कतमय तीर्थाटन मन दियउ। कतमय सुवर्ण सिंह मढ़ाई, दई गऊ विप्रन समुदाई। गुरु बिन धर्म करई जो कोई, मही नहीं जान्यो निष्फल होई। तेहिते मुनि अब दाया की जय, राम मंत्र मोका प्रभु दीजे। हे प्रभु, अब दया करो, मुझे राम मंत्र सुना दो। तैयारी हो गई तो नारद जी क्या बोलते? अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। सुंदरी ने कहा, आप देर मत लगाइए स्वामी जी, फटाफट गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि नेक कार्य में कोई बाधा आ जाती। फिर तो नारद जी ने कहा, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। नारद जी ने कहा, पहले जा करके स्नान कराइए, साफ कपड़े पहन कराइए, तब गुरु मंत्र देंगे। तो सुंदरी ने कहा, महाराज जी, सुबह स्नान हम कर चुके हैं और साफ कपड़े भी पहने हैं,
और अब हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, उस सुबह वाली स्नान को ही मान लो स्नान और गुरु मंत्र दीजिए आप, फालतू टंटम मत पालो, बार बार स्नान क्या करना है। हाँ, पर रात में गुरु मंत्र लो, रात में नहाओ, ठंडी लग जाए, खाम खां का काम। जब हरि शरण जीव यह जाई, यम गण ग्रसई कुटुम्बिन आई, सुत पितु मातु कहाँ यस बैना, भक्ति न छा जई हमरे आईना। जब ये जीव भक्ति की शरण में जाता है, गुरु मंत्र लेना चाहता है, भगवान की शरण में जाना चाहता है, तो कुटुम्बी जो होते परिवार के लोग ना, ये यमगण की तरह, यमदूतों की तरह लग जाते हैं। कहते हैं तुम अभय कहे गुरु मंत्र लेते हो, तनी बूढ़े हो जाए तब ले लियो, शादी वादी हो जाए तब ले लियो, और दो चार लड़का हो जाए तब ले लियो, पुरीखा बन जाओ तब ले लियो, और जिस दिन मरो वह दिन ले लियो, कहाँ जरूरत है इतने दिन भक्ति ढो तुम। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं सब। को कहे अब ही जगत सुख की जय, वृद्ध भय पर हरि भज लीजे। कोई कहता है अभी तो संसार का सुख भोगो, शादी करो, दुई करो, तीन करो, चार करो, दस पत्नी लाओ, दस पति लाओ, अरे सब वह गड़बड़ मचा रहो, अभी तो ये जवानी सब इमर बर्बाद करो, उसके बाद बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेके, गुरु जब इतना ज्ञान तगड़ा है तो सब तुमका तार दी, चाहे जितना पाप करे हो, और हमरे जैसा गुरु हुई तो नरकम बोर दी तुम्हें, काहे पाप करे तुम। ये पाप वाप नहीं करना है, पाप बंद कर देना है। को कहे अब ही जगत सुख की जय, वृद्ध भय पर हरि भज लीजे। बुढ़ापे में हरि भजन कहाँ होता है, जवान चलते नहीं, कान सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापे में क्या भजन होगा। कितने लोगों को लोग लाद कर लाते हैं मंच पर, कहते इनका गुरु मंत्र दे दो, तो मैंने कहा चल नहीं पाते, कहना चल नहीं पाओ, छह महीने से तो छः महीना पहले ही चल लेते रहे, बोले चल लेते रहे, तो हम तो चल लेते रहे तब कहे नहीं गुरु मंत्र ढीन, बोले तब इनका मन नहीं रहे, तो हम कहें अब कहला अभी बेकार ही हो गया, मन हो ही हुआ। क्या फायदा है ऐसे गुरु मंत्र थे, जवानी में गुरु मंत्र लो, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने गुरु मंत्र लिया था, मीराबाई ने बचपन से गुरु मंत्र लिया, सिवरी ने बचपन से मतंग ऋषि को गुरु बनाया था, प्रहलाद जी ने बचपन से गुरु मंत्र, राम कृष्ण भगवान ने बचपन से गुरु मंत्र लिया था, बूढ़े हो गए गुरु कोई नहीं, बस घूम रहे निगुरा बनकर, और बातें बहुत करते हैं, और जो गुरु भक्त हैं उनकी निंदा करते हैं, और बड़े नरक में गिरोगे जाकर। कम से कम भक्तों की भक्ति करो तो भी तर जाओगे थोड़ा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, मन में है बसी बस चाह यही, बस नाम तुम्हारा उचारा करूं, भरी लोचन की गगरी नित ही नित पाऊं तुम्हारे पखारा करूं, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। अगर गुरु की सेवा करने को ना मिले तो उनके भक्त की सेवा कर देना, तो भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद नेरी के मुन्ना जी, आशीर्वाद। सबको पहचान लूंगा, ऐसे भूलूंगा थोड़े, मन में बसाता हूँ। स्वर्गीय श्री संतोष कुमार के पिताजी पोरवाल साहब, मुस्कराइए, बस आलोक कुमार जी मुस्कराइए, पाइनियर मॉन्टेसरी स्कूल, पत्रकार जी सरिया स्टेशन से साहिबगंज, बस ऐसे जबरदस्ती सबका मुस्करवाई दी थी। क्या करें हम, क्योंकि तुम्हें संकोच लग जाता है ना, रामनाथ चाट वाले, बस बनाओ चाट। अब की रामनाथ बहुत खुश है, बड़ी श्रद्धा है, शुरू में हम आए तो मिल गए, दर्शन किया रामनाथ।
तेहि ते मुनि अबदाया कीजे राम मंत्र मोका प्रभु दीजे। सुनि मति ब्रह्म जे रहे चुपाई रो लीन्हु काल अचानक खाई। जो लोग दुनिया वालों के कहने से भ्रमित हो गए और भक्ति करने से रुक गए तो गुरु मंत्र लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और काल अचानक उठा ले गया। इसलिए किसी के कहने से मानना ही नहीं है, गुरु मंत्र लेना है पक्का। गुरु का महत्व समझो। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश। बंदम गुरु वर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। बंदम गुरु वर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। सब जग मन के धार में बहे जात ले हो। गुरु बिनु कबहु न पार होए कल कल बनाचो। गुरु बिनु कबहु न पार होए कल कल बनाचो। गुरु बंदी छोड़ है। देखिए आगे थोड़ी वो कथा सुनाता हूँ तोता वाली। बंदी छोड़ के पास में जब वो भक्त जाता है प्रसाद भेंट करके प्रणाम करने के पश्चात जब अवसर देखता है तो तोता का प्रश्न रखता है कि हे बंदी छोड़, एक तोता मिला था वो पिंजड़े के अंदर बंद था, उसने पूछा है अगर आपके गुरु बंदी छोड़ हैं तो मैं इस पिंजड़े के बंधन से कैसे छूटूंगा, कब छूटूंगा, जरा उनसे पूछ के आना तो आप उपाय बताइए कैसे छूटेगा। ये प्रश्न छूनते ही गुरु जो है वो बेहोश होकर के गिर गए। आधे घंटे बाद होश आया, गुरु उठकर बैठे तो जो भक्त था ना वो घबरा गया कि एक बार पूछे तो बेहोश भाई और दोबारा फिर पूछी हो उसका उत्तर तो मरीन जी ही, इससे अच्छा बधाई दो। वो चेला प्रणाम करके वापस लौट पड़ा, बोला यहाँ रुकना ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ हो जी शाम तक तो अपने ने माथे आ जी फालतू। चलो आया फिर उसी मित्र के यहाँ रात में ठहरा। तोता ने पूछा हाँ आपके बंदी छोड़ गुरु जी ने कुछ उत्तर दिया, बोले उत्तर दिया, उत्तर इतना तुम्हारा प्रश्न ही खतरनाक है, बहुत मूर्ख आदमी हो तुम, इस तरह के प्रश्न मत पूछा करो। बोले क्या हुआ, बोले उत्तर मिला कुछ, बोले उत्तर तो अलग है गुरु बच गए यह ही बहुत। जो ही प्रश्न पूछा मैंने तो गुरु जी धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े, तो दोबारा हम पूछो भाई नहीं करें हम लौट आए, ऐसे तो कल आना था लेकिन हम आज ही लौटे। तोता मुस्कराया बोला जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, बना भक्त ये मूरख प्यारा। तोता समझ गया कि भगत मूरख है, हम समझ गए क्या गुरु कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो तोता जो है रोता है टे 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 और बेहोश होकर के पिंजड़े में गिर गया। मालिक दौड़ कर आया, उसने देखा पिंजड़े का वो गेट खोला, अंदर उसका पैर हिलाया चोंच हिलाया वो मरा पड़ा। मालिक ने कहा ये भी एक आफत आ गई, तोता भी हमारा मर गया, तो उसको निकाल करके घोड़े पर फेंक कर आ गया। ज्यों ही फेंका तोता फुर से उड़ गया। जान ले सो जान निहारा, तोता समझ गया कि जब तक हम मरेंगे नहीं या मर जाएंगे तभी निकलेंगे इसमें से बाहर, इसलिए मरने का ढोंग बनाऊंगा तो भी निकल जाऊंगा। तो गुरु जो बेहोश हुआ था, गुरु ने इशारा दिया है कि वो तोता बेहोश हो जाए, मरने का ढोंग रचेगा तो छूट जाएगा वहां से। याद रखना ये बंदी छोर की कहानी है। ऐसे है गुरु बंदी छोड़ा, तुरत बंधन देत निबेड़ा। सुनि मति ब्रह्म जे रहे चुपाई, लीन हो काल अचानक खाई। मृतक जानी सुत पुत्री नारी, रो वही स्वारत है तु पुकारी।
तास सोच को नेकु न करई, हरि विमुख धौ कस दुख परई। जब आदमी मर जाता है ना, पुत्र भी रोते हैं, पुत्रियां भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं, माँ बाप भी रोते हैं, पत्नी भी रोते है, सब रोते हैं, लेकिन रोते हैं और कुछ कहते हैं कि वो घर को संभाले, ये भी कहते हैं। स्त्रियां तो पूरा सेंटेंस बोलती हैं कि हमारे पति मर गए हैं, ये बाजार से सब्जी को लाई दैया रे। बहुत लंबी नाटक है। अब इतना दुख हो तो इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोल पाती है। फिर बोलती हैं, दोई दोई तीन तीन लड़की पैदा करीन, बीच मरी गए दैया रे। पैदा अकेले करीन है, दोनों जन मिल के पैदा करो तो तुम तो बची हो, करो शादी और का। माँ दैया रे, बुआ रे, फालतू बकवास। तो अब ये रोना धोना सब अपने स्वार्थ में हो रहा है। कोई इसलिए नहीं रो रहा है कि इसकी जो आत्मा है मरने के बाद उसकी क्या गति हुई, कि दुर्गति हुई, कि नरकम, उसका दुख किसी को नहीं। तास सोच को ने कुन करई, हरि ही विमुख धौ कस दुख परई। किसी को सोच नहीं है कि मेरे बेटे की आत्मा, पिताजी की आत्मा, ये भक्ति नहीं किया, गुरुमंत्र नहीं लिया, सत्संग नहीं सुना, कुछ दान पुण्य भी नहीं किया, अब ये अचानक मर गए तो इनकी आत्मा को दुख क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नरक में ठिकाना होगा, क्या दशा दुर्दशा होगी, इसका किसी को सोच नहीं। सब अपने अपने को रो रहे। कोई कहता हम अनाथ हो गए, कोई कहा अनाथिन हो गए, कोई कहा राण हो गए, कोई बताओ लड़ुआ हो गए, कोई कहा लड़ुआ हो गए। हाँ, वो लड्डू के लड़ुआ बन गए। सब अपना अपना चिल्ला, अब ये नहीं जानते उसकी आत्मा नरकम गिर गई, जब वो उधर है ना, भक्ति करने नहीं दिया, सब लिपट झपट के चिल्ल को मचा करके बहका बहकी करके बस करने दो भक्ति। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर चला जाना है, ये तो वैराग्यवान जो होता वो सब भोग विलास को त्याग करता है। जो संत है जैसे हम जैसा व्यक्ति, वो भोग विलास को त्याग कर देता है। लेकिन जो भक्त है, तुम जैसे भक्त, आपको संसार में रहना है, घर में रहना है, बिजनेस भी करना, परिवार भी संभालना, बस मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छोड़ देना है, बुरे कर्म छोड़ देना, शाकाहारी बन जाना, व्यसन मुक्त हो जाना, सुबह शाम गुरु का ध्यान करना, भक्ति का प्रचार करना, माला सदैव पहने रहना, गुरु में मन लगाए रहना, प्रवचन सुनते रहना, दान पुण्य करते रहना और सत्संग सुन करके अपना कल्याण करना, घर गृहस्थी संभालते रहना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब ये थोड़े है सब छोड़ छाड़ गुरु जी के साथ चल दो। एक सब गुरु जी के साथ चल जाए तो ये नहीं है कहाँ हुआ, गुरु जी के पास में इतना कहाँ गुंजाइश है। वैसे छोड़ के चल देने से, वहाँ घर छोड़ने से पहले मोह छोड़ना पड़ेगा, ये मोह नहीं छूटता, ये तो वैराग्यवान संत का काम है। इसलिए घर में रहकर भक्ति करो, और अगर संत बनना है तो वो रास्ता फिर अलग है, वो फिर मेरा वाला रास्ता है। ये भी है, इसका मंत्र अलग है, इसकी गुरुदीक्षा अलग है, इसका सिस्टम अलग है। लेकिन गृहस्थाश्रम में जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु मंत्र लिया था, वो गृहस्थाश्रम में रह करके अपना गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन सुखदेव जी ने विरक्त आश्रम का लिया था संकल्प। राम चरण पंकज चित दीना, जिहते होत पाप सब छीना, तेहिते मैं नहीं जाब नहाई, सुनि नर नारी देही भरमाई। मैं स्नान करने जाऊंगी, वहां स्त्री पुरुष बहुत मिलेंगे, पूछेंगे फिर से स्नान क्यों कर रही, मैं बताऊंगी भक्ति लूंगी, गुरुमंत्र लूंगी तो सब हमको भरमा देंगे, बहका देंगे, इसलिए मैं नहाने नहीं जाऊंगी। ऐसे ही गुरुमंत्र दे दीजिए महाराज जी। सुनत बचन मुनियत सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। नारद जी ने तुरंत कंठी माला पहना दी और मंत्र सुना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारद जी का काम सरल था, ज्यादा टंटम पालो तो गुरुभक्त कोई हो ही न पाए। हाँ, सीधा सिंपल मामला, पहना दिया माला। विप्रवेश नृप शूद्रवा, होय अपति पति बाम,
हरि व्रत धारय उचित तेही है तुलसी की दाम। विधि हरि हरि का साख करी राम मंत्र तब दीन वैष्णो धर्म सिखाई के गमन पिता पुरकीन। ब्रह्मलोक चले गए नारद जी, मंत्र दे दिया, गुरु भक्ति दे दिया, सिखा दिया सब कैसे भक्ति करना है। फिर नारद जी ब्रह्मलोक पितापुर, उनके पिताजी ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते थे इसलिए वहीं गए अपने पितापुर, पिताजी के पास में चले गए। तेही क्षण मिलई ता सुपतियावा लखीश क्रोध अस बचन सुना। जब नारद जी विदा हो जाते हैं उसी समय सुंदरी का पति पंडित कृष्णदत्त आ जाता है, गले में कंठी माला देख करके उसको बहुत क्रोध आता है तो अपनी पत्नी से वो नाराज होता है। अब पत्नी के साथ उसकी चर्चा चल रही है, इधर नारद जी ब्रह्मलोक को जा चुके हैं, अब ये चर्चा रात भर चलेगी और कल सुबह दिन भर चलेगी और क्या रिजल्ट इसका आएगा वो कल रात में मैं 5 बजे शाम से फिर बताऊंगा, आज का सत्संग यही विराम लेगा। कथा विसर्जन होत है सुनिए भक्त सुजान, श्री गुरु का ध्यान करो पाओ पद कल्याण। इत श्री विश्राम सागर सम्मत यागर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम स्नेही कृत कृष्ण दत्त कथा वर्णनो नाम चतुर्थो अध्याय। आरती मंगल रेडी करिए तनिक देर अब नहीं तुम करिए, कुछ दानी का हो सन्माना अब मंच पर बुलाई करहु सन्माना। दान दिए धन वृद्धि होई कथा सुनई ताके समृद्धि होई। आज 3 दानियों का नाम आया है, महादानियों को सम्मानित किया जा रहा है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना